सो वेलकम बैक दोस्तों। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि जब कभी आप कभी एक ओला राइड ले रहे हैं और मान के चलिए आपको पेमेंट कैश से नहीं ओला मनी से देना है, तो आखिरकार ये ओला मनी होता क्या है, किस प्रकार आप उस पर रिचार्ज करते हैं और कैसे आप पेमेंट करते हुए ओला मनी यूज़ करना है आपको, तो ये सारा चीज़ें आज हम एक ट्यूटोरियल के रूप में देखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक एंड्रॉयड पावर स्मार्टफोन है, मैं प्ले स्टोर में जाके ऐप को डाउनलोड कर इंस्टॉल कर ओपन कर लेता हूँ। एक अकाउंट भी मैंने क्रिएट कर रखा है। ये सब कर लेने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस आता है। तो पहले तो मैंने एक आपको ये दिखाना है कि कैसे आप अपने ओला मनी को रिचार्ज कर सकते हैं। तो ओला मनी कुछ नहीं, ओला का एक वॉलेट है, जैसे IRCTC में IRCTC का वॉलेट होता है या कोई भी आजकल सारे एप्लीकेशन अमेज़ॉन में अमेज़ॉन पे एक वॉलेट है। तो ओला इंटरफेस के लिए ओला ने खुद का एक वॉलेट बना रखा है। तो उस वॉलेट में आप जो भी पैसा ऐड करते हो राइड के लिए, जब आपको पैसे देने होते हैं आप इस वॉलेट को यूज़ कर सकते हो, ना कि आपको फिर से कैश देना है। फिलहाल मेरे पास वॉलेट में 100 रुपये है, मैं और 100 रुपये जोड़ना चाहता हूँ। तो जैसे जोड़ना चाहता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आते हैं, UPI ऐप्स, UPI ID, नेट बैंकिंग। तो नेट बैंकिंग में मैं ICICI सेलेक्ट करके 100 रुपये जो है जोड़ दूँगा। तो फिलहाल ये मुझे लॉगिन क्रेडेंशियल्स की तरफ ले आया है, जहाँ पे मैं अपना यूज़र आईडी डाल देता हूँ और पासवर्ड भी डाल देता हूँ और पेमेंट लॉगिन कर जाता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मैं पे बटन पर क्लिक करता हूँ, तो मेरा ट्रांजैक्शन जो है वो कैरी आउट हो जाता है और मर्चेंट, इस केस में जो भी है ओला है, उसको पेमेंट हो जाता है। तो एक 8-6 ट्रांजैक्शन बता रहा है, लेकिन ठीक है, करंट बैलेंस जो है वो 200 रुपये जुड़ चुका है। सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स, मेरा पैसा जो है फ़िलहाल ऐड हो चुका है। अब ये 200 रुपये मेरे वॉलेट में है, तो यानी कि ओला के वॉलेट में मैंने कुछ पैसे ट्रांसफ़र ज़रूर कर दिए। अब जब भी मुझे एक राइड बुक करना है, मान के चलिए मैं एक राइड बुक करता हूँ अपने घर से और ज़्यादा दूर नहीं, मैं वायलेट पर्पल या ठीक है गंगाराम में ही अगर जाना है मुझे, तो मैं एक राइड अवेलेबल है 4 मिनट की दूरी पे, एक मिनी है, मिनी माइक्रो, ये सब क्या है राइड ऑप्शंस में देख रहा हूँ, ऑटो तो है नहीं, तो चलो मैं एक राइड नाउ करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मैं देख रहा हूँ जो पेमेंट है करीब 80 रुपये के आसपास, ये अब मुझे सिलेक्ट क्या करना है, ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट ओला मनी में ही सिलेक्टेड है, तो मुझे ओला मनी डिफ़ॉल्ट रखना है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप कैश ना कर दें, क्योंकि अगर आप यहाँ कैश कर देते हैं तो भले ही वॉलेट में 200 रुपये है, लेकिन जब आपका राइड ख़त्म होता है तो आपको ड्राइवर पूछेगा कैश के लिए। अगर आपने मनी पे डिफ़ॉल्ट कर रखा है तो क्या होगा, जैसे राइड ख़त्म होता है अपने आप सिस्टम से फिर उतना अमाउंट डिटेक्ट हो जाता है, जैसे कि इस केस में 82 रुपये या जो भी है, तो अपने आप उतना डिडक्ट हो जाता है और बाकी रुपए जैसे 120 होगा मेरे केस में, वो फिर वॉलेट में रिटेन रहेगा फिर अगले अगले राइड्स में जो भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको करना है, यहाँ से भी आप और भी ओला मनी जोड़ सकते हो जो भी कुछ। तो यहाँ पे फिर हम प्रोसीड कर देंगे और देखोगे कि फिलहाल ये जो राइड है यहाँ पे हमारे पास कोई कूपन वूपन है नहीं, तो हम इसको जो है यहाँ पे हम इसको कंफर्म करवा देते हैं। तो अगर राइड है मिल जाता है तो ओला का जो प्रोसेस है, थोड़ी देर में राइड का एक OTP आ जाता है, तो आप देख सकते हैं OTP आ गया 3015, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये सारा है। तो ये हमें OTP लेके ड्राइवर के पास जाना होता है, फिलहाल मुझे वो सब नहीं करना है और मैं अपना ये राइड कैंसिल करना चाहता हूँ। तो मैंने ये राइड कैंसिल कर दिया। हालांकि मैंने ये जो ट्यूटोरियल बनाया था ये इसलिए बनाया था कि आपको ये दिखा पाऊँ कि किस प्रकार अगर आप ओला यूज़ कर रहे हैं तो आपको अगर ओला मनी से पेमेंट करना है तो आपको क्या करना है। तो हम फिर से एक बार बता देते हैं, आप जब भी राइड शुरू करोगे, मान के चलिए आपने राइड डिसाइड कर लिया कि पिकअप डेस्टिनेशन जो भी है, और जब भी आपने राइड ऑप्शन लिया मान के चलिए प्राइम से करना है या मिनी से करना है या जो भी कुछ करना है, आप जब राइड सिलेक्ट कर रहे हो तो पेमेंट मैकेनिज्म पे आपको ध्यान रखना है कि आप करेक्टली ओला मनी में डिफॉल्ट करके रखें, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने कैश सिलेक्ट कर रखा है तो फिर बाद में आपको कैश ही देना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस ट्यूटोरियल से अगर आप कभी अपना राइड कर रहे हैं या अगर आप अपने मम्मी पापा या किसी के लिए राइड बुक करवा रहे हैं जहाँ पे आप चाहते हो कि सामने वाले को पैसा ना देने पड़े क्योंकि आपके ओला मनी में उतना बैलेंस है ओला मनी वॉलेट में, तो आप इस प्रकार से अपना राइड बुक करवा सकते हैं लोगों के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज के इस ट्यूटोरियल से आपको फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें ट्यूटोरियल्स को, और हाँ उन लोगों के साथ इस काम को शेयर करें जहाँ पे आपको लगता है उन लोगों को फ़ायदा हो, जैसे मम्मी पापा, आज भी काफ़ी ऐसे सीनियर लोग, गांव के लोग या कुछ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, शायद उनको इन सब ऐप्स के साथ उतनी मतलब उनको इतना वाकिफ़ नहीं है जितना हम और आप जानते हैं इन ऐप्स को, शायद उनको कहीं ना कहीं इससे ज़रूर फ़ायदा हो, वही हमारा इंटेंशन है फाइनली। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं अमनान आप लोग से अलविदा लेता हूँ।